अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर टू, नेकी कभी गिराई नहीं जाती। मतलब कि नेकी कभी भी ज़ाया नहीं होती। कहानी सुनना और सुनाना हमेशा से ही एक दिलचस्प और पसंदीदा अमन रहा है। आपने भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी। आज आपको जो कहानी पढ़ेंगे वो ना सिर्फ दिलचस्प और सबक आमूस है बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को सुनाई थी। एहतराम हुआ और तसारात के साथ बारी बारी कहानी पढ़िए। बहुत पुरानी बात है, तीन आदमी सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के सामने आ गिरी और गार का बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वह तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, गार से कैसे बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख प्यास से तड़प कर मर जाएं। मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। तीन आदमी सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत तेज़ हवा भी चलने लगी। तो उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए तेज़ हवा से कि कोई नकड़ी शकड़ी उनको ना हिट कर दे, टकरा जाए उनसे, उनको चोट ना लगे, इसलिए वो एक गार में उन्होंने पना नहीं जगह नहीं। तो फिर तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के सामने आ गई। हवा और तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बहुत बड़ी चट्टान उनके गार के बाहर जाने वाले रास्ते पर आ गिरी और गार का बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उन तीनों ने मिन को चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से नहीं हटी। उन तीनों ने चाहा कि चट्टान धक्का लगा के हट जाए, लेकिन चट्टान नहीं हटी। वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, कैसे गार से बाहर निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख प्यास से ही तड़प कर मर जाएं। पहला नंबर दो, उन तीनों में जो समझदार था उसने कहा, हम अपनी अपनी कोई नेकी याद करते हैं और इसका वास्ता दे कर अन्ना ताना से मदद मांगते हैं। उनमें तीनों में से जो एक समझदार था ना, उन्होंने उसने कहा कि हम सब अपने अपने को एक एक नेकियाँ कहते हैं और उसके वास्ते अन्ना ताना से मदद मांगते हैं। बरामदी, उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अन्ना, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे, मैं उनका बहुत ख्याल रखता था, मैं उनके गुजारे के लिए बकरियाँ चराता था, शाम को बकरियों का दूध धोकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था, फिर अपनी बीवी बच्चों को देता था। पहला नंबर थ्री एक्सप्लेनेशन है कि उनमें से जो एक शख्स था उसने अपनी एक नेकी बताई, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और कमज़ोर थे, मैं उनका बहुत ख्याल रखता था और उनके गुजारे के लिए बकरियाँ चराता था, शाम को बकरियों का दूध धोकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता, फिर अपने बीवी बच्चों को देता, पहले मैं बकरियाँ चरा के अपने बूढ़े माँ बाप को पेश करता, फिर अपनी बीवी बच्चों को पेश करता। पर कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर सिक्स, हमारा दूसरा पैराग्राफ है। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध धोया और वालदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया, ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालदैन के सरहाने खड़ा रहा।
सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी, ए अल्लाह मेरा ये अमल तुझे राजी करने के लिए था, अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। एक दिन वो आदमी जंगल से लौटने में उसको देर हो गई, तो वो जब घर आए तो उसके वालदैन सो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी बकरियों से दूध धोया निकाला और फिर वालदैन के पास खड़ा हो गया, उनको उठाया यानी कि ये ने दूध पीने ना ही अपने बच्चों को दूध दिया कि ये लो बच्चों पीनो, आपके दादा दादी सो गए। सारी रात दूध का पियाना नहीं कर वालदैन के सरहाने खड़ा रहा, सारी रात दूध का प्याना लेके माँ बाप के पास खड़ा रहा, सरहाने उनके पास खड़ा रहा। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी, जब मेरे माँ बाप सुबह जागे तो उन्होंने ये देख के बहुत दुआएं दी कि ए अन्ना मेरा ये अमन तुझे राज़ी करने के लिए था। उसने अन्ना से दुआ फरमाई के दुआ करी कि ए अन्ना मेरा ये अमन तुझे राज़ी करने के लिए था, अगर तुम्हें ये नहीं आप अगर तुझे ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सड़क गई मीन थोड़ी सी साइड पर हो गई, बाहर से रोशनी अंदर आने लगी मगर इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा ए अल्लाह मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई, जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावन दिए, वो चावन देख कर नाराज़ हुआ और इन्हें लिए बगैर चला गया, मैंने इन चावलों को ज़मीन में बो दिया, इस ज़मीन में बहुत बरकत हुई, फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियाँ खरीद ली और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया, बहुत बड़ी मंडी तैयार हो गई। एक दिन अचानक वो मज़दूर अपनी मजदूरी लेने चला आया, मैंने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया, ए अल्लाह ये सारा अमन तुझे राज़ी करने के लिए था, हम पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी इस नेकी के सदके में हमें बाहर जाने का रास्ता अता फरमा। उनमें से एक शख्स था, उसने कहा कि उसकी जैसी दुआ ख़त्म हुई तो थोड़ी सी चट्टान अपनी जगह से हिल गई और बाहर से रोशनी अंदर आने लगी, लेकिन इतनी भी जगह ना थी कि बाहर निकलना जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा ए अल्लाह मैंने एक शख्स से मजदूरी करवाई, जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने उसे चावन दे दिए, वो चावन देखकर नाराज़ हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया, मैंने उन चावलों को ज़मीन में बो दिया, ज़मीन में गाड़ दिया, इनमें बहुत बरकत हुई। फिर मैंने उनकी आमदनी से भीड़ बकरियाँ खरीद ली। मैं चावलों को जब उन्होंने उसमें दाना गाड़ा ज़मीन में तो उसमें बहुत बरकत हुई और फिर उसने उसकी आमदनी से भीड़ बकरियाँ खरीद ली और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवर तैयार हो गया, बहुत बड़ी मंडी भी, बहुत सारी बकरियाँ गायें भेड़े आ गई उनकी आमदनी से। एक दिन अचानक वो मजदूर अपनी मजदूरी लेने चला आया आ गया, मैंने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा कि ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावल की बरकत है। उसने कहा कि ये सारे जानवर मैंने उसे दे दिए और कहा कि ये सब तुम्हारे चावलों की
मजदूरी के चावलों की बरकत है। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मुझे दुआएं देते हुए चला गया। इधर भी वही कह रहे कि ये सारा अमन है ना, ये सारा अमन तुझे राज़ी करने के नहीं था, हम पर रहम फरमा, हमें इस नेकी के बदने सदके में हमें बाहर जाने का रास्ता अता फरमा। दुआ ख़त्म होते ही चट्टान अपनी जगह से मज़ीद हट गई, मगर अब भी इतनी जगह ना बन पाई थी कि वो तीनों बाहर निकल पाते। फिर तीसरे आदमी ने एक कनीज पर अपने रहम का वाक्य सुनाकर अन्ना ताना से फरियाद की तो चट्टान गौर से हट गई और वो तीनों अन्ना का शुक्र अदा करते हुए गौर से बाहर आए और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। बेशक नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उनमें से तीसरे आदमी ने अपनी कनीज अपनी मुनाजमा पर, जिसे उर्दू में मासी भी कहते हैं, फिर तीसरे आदमी ने अपनी कनीज पर रहम का वाक्य सुनाया कि उसने किस तरह उस पर रहम करा, उस पर जुर्म नहीं करा। तो अन्ना ताना ने इसके सदके चट्टान हट गई इसके सदके से और वो तीनों शुक्र अदा करते हुए बाहर निकल गए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।